हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी टैलेंट में। मैं हूं आपका दोस्त संजीव गुप्ता। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं फेसबुक या यूट्यूब पर पैसे कमाने नहीं आया। मैं स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी के विचारों को बढ़ाने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूं। उनका कहना था कि मैं भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। आज आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि लूट खसोट स्वास्थ्य को लेके चल रहे हैं। अगर आदमी गलती से भी तबीयत ख़राब हो जाए और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए तो उसकी मेहनत की कमाई जमा पूंजी एक मिनट में स्वाहा हो जाती है। खैर, मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। मैं आज आपको जिन लोगों को सालों से 10-10 साल, 5-10-10 साल से गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको आज डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का एक नुस्खा बताता हूँ जो कि काफ़ी कारगर साबित हुआ है। जिन लोगों ने इस प्रयोग को किया है उनके, वो समझ लीजिए कि आप 10-10 साल से परेशान थे गैस, एसिडिटी से, अपच से, खाना शरीर में ना लगना, सब सारे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक प्रयोग बताया था जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसमें सिंपली आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट, नीचे दिखाइए भाई, ये 5 इलायची के दाने, छोटे वाली, छोटी वाली इलायची है, देख लीजिए आप, ठीक है, और इतना सा गुड़, यानी कि 5 इलायची 5 ग्राम गुड़ आपको लेना है, और थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। सिंपली आपको ब्रश करने के बाद ये 5 इलायची के दाने पहले चबा लीजिए, मुंह में रखिए, और उसके बाद ये गुड़ गुड़ ले लीजिए और दोनों को साथ में ले लें, या पहले इलायची चबा लें उसके बाद गुड़ ले लें। इसको खाना है और गुनगुना पानी पी लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोगों को दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो इलायची को चबा नहीं पाएंगे, तो वो क्या कर लें कि 50 ग्राम इलायची खरीद के ले आएँ। इलायची भी काफ़ी महंगी हो गई तो थोड़ी सी इलायची ले आएँ, 50 ग्राम ले आएँ, 100-150 रुपये के आसपास मिल जाएगी। उसे क्या करना है, सिंपली आपको पाउडर बना लेना है, मिक्सर में ग्राइंड करके उसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आप एक आइडिया लगा लीजिएगा कि 5 इलायची का पाउडर कितना होगा, ठीक है, तो वो सिंपली आपको उतना पाउडर लेना है और ये गुड़ लेना है, ठीक है। मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगा इलाज नहीं बता रहा हूँ, बहुत महंगा महंगा नुस्खा नहीं बता रहा हूँ, तो सिंपली आपको ये खाना है और आपको तकरीबन आधे घंटे तक, इसको करने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। तो मैं दोस्तों जो भी नुस्खे आपको बताता हूँ वो अनुभवी डॉक्टरों से कंसल्ट करके, बात करके, पूछ के मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से बात करना चाहते हैं, किसी बीमारी से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं या उनसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उनका नंबर आपको दे दूँगा और आप उनसे बात करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं या दवाइयाँ उनसे ले सकते हैं, उनसे नुस्खे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी मैं उनके जो भी नुस्खे हैं वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। आज का वीडियो हमारा दोस्तों यहीं तक था। तो आज का वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसे जो नुस्खे मैं आपको, जिस जो भी नुस्खे मैं आपको बताऊं या उस पर वीडियो बनाऊं, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।